सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के पाठों का संग्रह। स्वयं परमेश्वर जो अद्वितीय है। 4. परमेश्वर की पवित्रता। 1. अपने अब तक के जीवन में पीछे मुड़कर उन सब कार्यों को देखो जिन्हें परमेश्वर ने तेरे विश्वास के उन सभी वर्षों में किया है। तू इसे गहराई से महसूस करता है या नहीं? क्या ये अत्यंत आवश्यक नहीं था? क्या ये वो नहीं है जिसे प्राप्त करना तेरे लिए अत्यंत आवश्यक था? हाँ। क्या ये सच नहीं है? क्या ये जीवन नहीं है? हाँ। अतः इन चीजों को देने के पश्चात कुछ वापस करने के लिए या बदले में कोई चीज देने के लिए क्या परमेश्वर ने तुझे कभी प्रबुद्ध किया? नहीं। तो परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? परमेश्वर इसे क्यों करता है? क्या परमेश्वर के पास भी तुझ पर कब्जा करने के लिए कोई उद्देश्य है? नहीं। क्या परमेश्वर मनुष्य के हृदयों में अपने सिंहासन को ऊंचा उठाना चाहता है? हाँ। अतः परमेश्वर के द्वारा अपने सिंहासन को ऊंचा उठाने और शैतान के बलपूर्वक कब्जा करने के बीच क्या अंतर है? परमेश्वर मनुष्य के हृदय को अर्जित करना चाहता है। वो मनुष्य के हृदय में काबिज होना चाहता है। इसका क्या मतलब है? क्या इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर मनुष्य को अपनी कठपुतलियां एवं अपनी मशीनें बनाना चाहता है? नहीं। तो परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? क्या मनुष्य के हृदयों में काबिज होने की परमेश्वर की इच्छा और शैतान के बलपूर्वक कब्जे और उसके द्वारा स्वयं को मनुष्य से जोड़ने के बीच कोई अंतर है? हाँ। अंतर क्या है? क्या तू मुझे साफ साफ बता सकता है? शैतान इसे बलपूर्वक करता है, किंतु परमेश्वर मनुष्य को स्वेच्छा से करने देता है। शैतान इसे बलपूर्वक करता है जबकि परमेश्वर तुझे स्वेच्छा से करने देता है। क्या यही अंतर है? परमेश्वर तेरा हृदय किस लिए चाहता है? और इसके अतिरिक्त परमेश्वर किस लिए तुझ पर काबिज होना चाहता है? तुम सब अपने हृदय में परमेश्वर मनुष्य के हृदय पर काबिज होता है के बारे में किस तरह से समझते हो? हमें यहां पर परमेश्वर के प्रति ईमानदार होना होगा, नहीं तो लोग हमेशा ये कहते हुए गलत समझेंगे कि परमेश्वर हमेशा से मुझ पर कब्जा करना चाहता है। वो मुझ पर किस लिए कब्जा करना चाहता है? मैं नहीं चाहता हूं कि मुझ पर कब्जा किया जाए। मैं जैसा हूं बस वैसा ही रहना चाहता हूं। तुम लोग कहते हो कि शैतान लोगों पर कब्जा करता है, किंतु परमेश्वर भी लोगों पर कब्जा करता है। क्या ये एक समान ही नहीं है? मैं किसी को भी मुझ पर कब्जा करने की अनुमति नहीं देना चाहता हूं। मैं स्वयं मैं हूं। यहां अंतर क्या है? इसके विषय में सोचने के लिए एक मिनट लीजिए। मैं आप लोगों से पूछता हूं कि क्या परमेश्वर मनुष्य पर काबिज होता है एक खोखला वाक्यांश है? क्या मनुष्य पर परमेश्वर के काबिज होने का अर्थ है कि परमेश्वर तेरे हृदय में रहता है? क्या परमेश्वर तेरे प्रत्येक शब्द एवं प्रत्येक हलचल पर शासन करता है?
यदि वो तुझसे कहता है कि अपना बायां हाथ उठाओ, तो क्या तुम लोग दायां हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करते हो? यदि वो तुमसे कहता है कि बैठो, तो क्या तुम सब खड़े होने की हिम्मत नहीं करते हो? यदि वो तुझसे कहता है कि पूर्व दिशा में जाओ, तो क्या तू पश्चिम दिशा में जाने की हिम्मत नहीं करता है? क्या ये एक कब्जा है जिसका अर्थ कुछ ऐसा है? नहीं। तो ये क्या है? मनुष्य के लिए इसका अर्थ है कि जो परमेश्वर के पास है एवं जो वो है मनुष्य उसे जिए। परमेश्वर ने सालों से मनुष्य का प्रबंध किया है, अतः इस अंतिम चरण में अब तक मनुष्य पर किए गए परमेश्वर के कार्य में उन सब वचनों का मनुष्य पर क्या असर होगा जिन्हें परमेश्वर ने कहा था? क्या ये ऐसा है कि जो परमेश्वर के पास एवं जो वो है मनुष्य उसे जीता है? परमेश्वर मनुष्य के हृदय पर काबिज होता है कि शाब्दिक अर्थ को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो परमेश्वर मनुष्य के हृदयों को लेता है और उन पर कब्जा करता है, उनमें रहता है और फिर बाहर नहीं आता है। वो उनके भीतर रहता है और मनुष्य के हृदयों का स्वामी बन जाता है, ताकि अपनी इच्छा से मनुष्य के हृदयों पर प्रभुता करे और उनका प्रबंध करे, जिससे मनुष्य को वहां जाना होगा जहां जाने के लिए परमेश्वर उससे कहता है। अर्थ के इस स्तर पर ऐसा प्रतीत होता है मानो हर व्यक्ति परमेश्वर बन गया है और उसने परमेश्वर के सार को धारण किया है एवं परमेश्वर के स्वभाव को धारण किया है। अतः इस स्थिति में क्या मनुष्य भी परमेश्वर के कार्यों एवं कृत्यों को अंजाम दे सकता है? क्या कब्जे को इस रीति से समझाया जा सकता है? नहीं। तो वो क्या है? मैं तुम सबसे पूछता हूं, सारे वचन एवं सत्य जिन्हें परमेश्वर मनुष्य को प्रदान करता है, क्या वे परमेश्वर के सार और जो उसके पास है एवं जो वो है उसका एक प्रकटीकरण है? हाँ। ये निश्चित है कि नहीं? किंतु सभी वचन जिन्हें परमेश्वर मनुष्य को प्रदान करता है, क्या वे स्वयं परमेश्वर के अभ्यास के लिए हैं एवं स्वयं परमेश्वर के धारण करने के लिए हैं? इसके विषय में सोचने के लिए एक मिनट लीजिए। जब परमेश्वर मनुष्य का न्याय करता है, तो वो किस कारण ऐसा करता है? ये वचन कहां से आए हैं? इन वचनों की विषय वस्तु क्या है जिन्हें परमेश्वर बोलता है जब वो मनुष्य का न्याय करता है? वे किस पर आधारित है? क्या वे मनुष्य के भ्रष्ट स्वभाव पर आधारित हैं? हाँ। अतः क्या वो प्रभाव जिसे मनुष्य पर परमेश्वर के न्याय के द्वारा हासिल किया गया है, वो परमेश्वर के सार पर आधारित होता है? हाँ। अतः क्या परमेश्वर का मनुष्य पर काबिज होना एक खोखला वाक्यांश है? ये निश्चित तौर पर नहीं है। अतः परमेश्वर इन वचनों को मनुष्य से क्यों कहता है? इन वचनों को कहने में उसका क्या उद्देश्य है? क्या वो मनुष्य के जीवन के लिए
इन वचनों को कहना चाहता है? हाँ। परमेश्वर इस समस्त सच्चाई का उपयोग करना चाहता है जिसे उसने मनुष्य के जीवन के लिए कहा है। अतः जब मनुष्य इस समस्त सच्चाई और परमेश्वर के वचन को लेता है और उन्हें अपने जीवन में रूपांतरित करता है, तब क्या मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा मानेगा? तब क्या मनुष्य परमेश्वर का भय मानेगा? तब क्या मनुष्य बुराई से दूर रह सकता है? जब मनुष्य इस बिंदु तक पहुंच जाता है, तब क्या वो परमेश्वर की संप्रभुता एवं प्रबंध को मानेगा? तब क्या मनुष्य परमेश्वर के अधिकार के अधीन होने की स्थिति में होता है? जब अय्यूब या पत्रस के जैसे लोग अपने मार्ग के अंत में पहुंच जाते हैं, जब ये माना जाता है कि उनका जीवन परिपक्व हो चुका है, जब उनके पास परमेश्वर की वास्तविक समझ होती है, क्या शैतान उन्हें अभी भी भटका सकता है? क्या शैतान उन पर अभी भी कब्जा कर सकता है? क्या शैतान अभी भी स्वयं को उनके साथ बलपूर्वक जोड़ सकता है? नहीं। तो ये किस प्रकार का व्यक्ति है? क्या ये कोई ऐसा है जिसे परमेश्वर के द्वारा पूरी तरह से प्राप्त कर लिया गया है? हाँ। अर्थ के इस स्तर पर तुम सब इस प्रकार के व्यक्ति को किस प्रकार देखते हो जिसे परमेश्वर के द्वारा पूरी तरह से प्राप्त कर लिया गया है? परमेश्वर के लिए इन परिस्थितियों के अंतर्गत वो पहले से ही इस व्यक्ति के हृदय में काबिज हो चुका है। किंतु ये व्यक्ति कैसा महसूस करता है? क्या ये ऐसा है कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का अधिकार और परमेश्वर का मार्ग मनुष्य के भीतर जीवन बन जाता है? फिर ये जीवन जो मनुष्य के संपूर्ण अस्तित्व पर काबिज हो जाता है, वो उसका जीवन निर्माण करता है, जिसे वो प्रचुरता से जीता है और परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए उसके सार को पर्याप्त कर देता है। अतः परमेश्वर के लिए क्या इस घड़ी मनुष्य के हृदय पर उसके द्वारा कब्जा किया गया है? हाँ। अब तुम लोग इस स्तर के अर्थ को कैसे समझते हो? क्या ये परमेश्वर का आत्मा है जो तुझ पर काबिज होता है? नहीं। अतः वो वास्तव में क्या है जो तुझ पर काबिज हो जाता है? परमेश्वर का वचन। ठीक है, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का मार्ग, ये वो सच्चाई एवं परमेश्वर का वचन है जो तेरा जीवन बन गया है। इस समय तो मनुष्य के पास वो जीवन है जो परमेश्वर से आता है, किंतु हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये जीवन परमेश्वर का जीवन है। ये वो जीवन है जिसे मनुष्य को परमेश्वर के वचन से पाना चाहिए। क्या हम कह सकते हैं कि ये जीवन परमेश्वर का जीवन है? नहीं। अतः इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मनुष्य कितने लंबे समय तक
परमेश्वर का अनुसरण करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मनुष्य परमेश्वर से कितने वचनों को प्राप्त करता है, क्योंकि मनुष्य कभी परमेश्वर नहीं बन सकता है। क्या ये सही नहीं है? हाँ। भले ही परमेश्वर ने किसी दिन कहा था, मैं तेरे हृदय में काबिज हो गया हूं, अब तू मेरे जीवन को धारण कर, क्या तब तुझे लगा कि तू परमेश्वर है? नहीं। तब तुम क्या बन जाओगे? क्या तुम्हारे पास परमेश्वर के प्रति संपूर्ण आज्ञाकारिता नहीं होगी? क्या तुम्हारा शरीर एवं तुम्हारा हृदय उस जीवन से भरपूर नहीं हो जाएगा जिसे परमेश्वर ने तुझे प्रदान किया है? ये बहुत ही सामान्य सा प्रकटीकरण है जब परमेश्वर मनुष्य के हृदयों पर काबिज हो जाता है। ये एक तथ्य है, अतः इसे इस पहलू से देखने पर क्या मनुष्य परमेश्वर बन सकता है? नहीं। जब मनुष्य ने परमेश्वर के सारे वचनों को प्राप्त कर लिया है, जब मनुष्य परमेश्वर का भय मान सकता है और बुराई से दूर रह सकता है, तो क्या मनुष्य परमेश्वर की पहचान को धारण कर सकता है? नहीं। तो क्या मनुष्य परमेश्वर के सार को धारण कर सकता है? नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या घटित हुआ है, क्योंकि मनुष्य अभी भी मनुष्य है जब सब कुछ कहा एवं किया गया है। तू एक रचना है। जब तुमने परमेश्वर से परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया और परमेश्वर के मार्ग को ग्रहण किया, तो तूने केवल उस जीवन को धारण किया है जो परमेश्वर के वचन से आता है, और तू कभी परमेश्वर नहीं बन सकता है। इसी समय अपने विषय पर वापस लौटते हुए मैंने तुम सबसे पूछा था कि इब्राहिम पवित्र था या नहीं। वो नहीं है, और इसे तुम लोगों ने अब समझा है। क्या तुम लोगों ने नहीं समझा? क्या अय्यूब पवित्र हैं? नहीं। इस पवित्रता के भीतर परमेश्वर का सार निहित है। मनुष्य के पास परमेश्वर के सार या परमेश्वर का स्वभाव नहीं है, यहां तक कि जब मनुष्य ने परमेश्वर के समस्त वचन का अनुभव कर लिया है और परमेश्वर के वचन के सार को धारण कर लिया है, तब भी मनुष्य को पवित्र नहीं कहा जा सकता है। मनुष्य मनुष्य है। तुम सब समझ गए, सही है? हाँ। तो तुम सब अब इस वाक्यांश को कैसे समझते हो? परमेश्वर मनुष्य के हृदयों में काबिज होता है। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का मार्ग है और उसकी सच्चाई है जो मनुष्य का जीवन बन जाता है। आप सबने इसे याद कर लिया है, सही है? मैं आशा करता हूं कि अब तुम लोगों के पास और अधिक गहरी समझ है। कुछ लोग पूछ सकते हैं, तो ऐसा क्यों कहते हैं कि परमेश्वर के संदेशवाहक एवं स्वर्गदूत पवित्र नहीं है? तुम सब इस प्रश्न के बारे में क्या सोचते हो? कदाचित आप लोगों ने इससे पहले इस पर विचार नहीं किया है। मैं
एक साधारण से उदाहरण का उपयोग करूंगा। जब तू एक रोबोट को चालू करता है तब वो नृत्य एवं बातचीत दोनों कर सकता है, और जो कुछ वो कहता है तू उसे समझ सकता है। परंतु क्या तू उसे प्यारा कह सकता है? क्या तू उसे सजीव कह सकता है? तू ऐसा कह सकता है परंतु रोबोट नहीं समझेगा, क्योंकि उसके पास जीवन नहीं है। जब तू उसकी विद्युत आपूर्ति को बंद कर देता है तो क्या वो तब भी इधर उधर हिलडुल सकता है? नहीं। जब ये रोबोट सक्रिय होता है तो तू देख सकता है कि ये सजीव एवं प्यारा है। तू इसका मूल्यांकन कर सकता है, चाहे ये एक आवश्यक मूल्यांकन हो या सतही मूल्यांकन। किंतु स्थिति चाहे कुछ भी हो, तेरी आंखें इसे हरकत करते हुए देख सकती है। परंतु जब तू उसकी विद्युत आपूर्ति बंद कर देता है तो क्या उसमें किसी प्रकार की विशेषता दिखाई देती है? क्या तू देखता है कि ये किसी प्रकार के सार को धारण किए हुए है? जो कुछ मैं कह रहा हूं, क्या तू उसके अर्थ को समझ रहा है? हाँ। तू समझ सकता है, सही है? कहने का तात्पर्य है, यद्यपि ये रोबोट हिलडुल सकता है और ये रुक सकता है, फिर भी तू इसका वर्णन कभी नहीं कर सकता है कि इसके पास किसी प्रकार का सार है। क्या ये एक तथ्य नहीं है? हम इस पर और अधिक बात नहीं करेंगे। ये तुम लोगों के लिए पर्याप्त है कि तुम सबके पास इस अर्थ की एक सामान्य समझ है। आओ हम अपनी संगति को यहां पर समाप्त करते हैं। अलविदा।